दोस्तों अगर नहीं करते रात को सोते समय औरत के साथ, यह एक गुप्त काम, उम्र भर रोते रहोगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं, अगर औरत के यह अंग बड़े हैं तो वह बहुत भाग्यशाली हैं आपके लिए, और वह अंग कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूजनीय माना गया है और उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या फिर भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर और नाखून तक के स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर में बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते समय शरीर की सुंदरता की बजाय बालिका के शरीर के अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो वह पति और परिवार के लिए भाग्यशाली और उनके भाग्य को उदय करने वाले होते हैं और उनके लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते हैं महिलाओं के बाल। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। और दोस्तों, नंबर दो की बात करें तो लंबी गर्दन। जी हां दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते हुए पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। और दोस्तों, नंबर तीन पर है ऊंचा वक्षस्थल। सामुद्रिक शास्त्र भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडौल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुडौल वक्षस्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। और दोस्तों, पौराणिक देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती हैं। और दोस्तों, नंबर चार पर हैं, जिस स्त्री की हाथ और पैर की उंगलियां लंबी और आकर्षित हो, ऐसी स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। और दोस्तों, नंबर पांच की बात करें तो नंबर पांच पर हैं बड़े आंखों वाली महिलाएं। जी हां दोस्तों, बड़े आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वह बहुत ही विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और दोस्तों, नंबर छह की बात करें तो लंबी नाक। जी हां दोस्तों, सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। यह हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इनके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। और दोस्तों, सातवें नंबर पर हैं पैर और उंगलियां। जी हां दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। यह महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की उंगलियां और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती हैं। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।